हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगिक एंड मॉडर्न साइंस। फ्रेंड्स, आज हम 13वें अध्याय का 22वां श्लोक लेंगे और 22वां श्लोक भी 21वें श्लोक की तरह ही है। थोड़ा गहरा है और ज्ञान योग के ऊपर पूरी तरीके से बेस्ड है। तो मैं सबसे पहले श्लोक पढ़ूंगा और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद शर्मा जी अपने अनुभवों के आधार पर उसको थोड़ी गहराई से उसकी व्याख्या करेंगे और फिर लास्ट में मैं इंग्लिश में उसी चीज को बोलूंगा। 22वां श्लोक है, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहस्मिन् पुरुषः परः। अर्थात शरीर के साथ संबंध रखने से उपद्रष्टा, उसके साथ मिलकर सम्मति अनुमति देने से अनुमंता, अपने को उसका भरण पोषण करने वाला मानने से भर्ता, उसके संग से सुख दुख भोगने से भोक्ता और अपने को उसका स्वामी मानने से महेश्वर बन जाता है। परंतु स्वरूप से यह पुरुष परमात्मा इस नाम से कहा जाता है, यह इस देह में रहता हुआ भी देह से पर सर्वथा संबंध रहित ही है। फ्रेंड्स, इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पुरुष के विभिन्न विभिन्न प्रकृति के अंदर अलग अलग लेयर्स हैं और उनके संबंध अलग अलग हैं और उस पुरुष का जो रोल है, रोल्स को कहें या फंक्शन कहें या कॉन्टेक्स्ट कहें, वो अलग अलग रोल में अलग अलग, इसमें भगवान ने ये बताया कि उस टाइम वो क्या कहा जाता है। तो भगवान यहाँ पे जीव की बात कर रहे हैं, जीवात्मा की। योगिक साइंस में हम तीन चीजें हमें पता है, एक स्वरूप, स्वरूप के अंदर प्रकृति और पुरुष, और प्रकृति के अंदर अनगिनत जीवात्माएं। तो यहाँ पर उन जीवात्माओं के संबंध से सारी चीजें कही जा रही हैं। जीवात्मा शरीर के साथ संबंध रखने से उपद्रष्टा कहलाता है। यहाँ भगवान ने दृष्टा नहीं कहा है, उपद्रष्टा कहा है। दृष्टा का ही आप ये कह सकते हैं कि लोअर वर्जन है, जो प्रकृति के अंदर है। दृष्टा प्रकृति के अंदर जो शरीर को देखता है, शरीर की जितनी गतिविधियां उसको देख सकता है, अपने विचारों को देख सकता है, इमोशंस को देख सकता है, पूरे प्रकृति चारों तरफ प्रकृति है उसको देख सकता है। तो उस संबंध से वो जो जीव है उपद्रष्टा कहलाया। उसी तरह उसके साथ मिलकर सम्मति अनुमति देने से अनुमंता, वो किसी भी चीज के लिए सम्मति दे सकता है, अनुमति दे सकता है, देता है अंदरूनी, तो उस हिसाब से अनुमंता कहलाया। और शरीर का सबका भरण पोषण भी करता है, तो उस हिसाब से, उस संबंध से इसको हम भर्ता कहते हैं। और यह पुरुष उसके संग से सुख दुख भोगने से भोक्ता कहलाता है। और जब वो तो संसार से, शरीर से संबंधित है क्योंकि, तो सुख और दुख भी भोगेगा, तो उस संबंध से इसको भोक्ता कहा। और अपने को उसका स्वामी मानने से, और क्योंकि संबंधित है हर चीज से तो उसका स्वामी भी मानता है, तो उस दृष्टि से महेश्वर भी कहा जाता है। परंतु भगवान यहाँ पे बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, परंतु स्वरूप से यह पुरुष परमात्मा इस नाम से कहा जाता है, मगर इसका जो स्वरूप है वो वही है जो हमारे मूल में है। स्वरूप उसका मूल है, तो इसी संबंध से इसको परमात्मा भी कहा जाता है। इस देह में रहता हुआ भी देह से पर अर्थात सर्वथा संबंध रहित ही है। रहता देह में है क्योंकि जो जीवात्मा है, हमने योगी साइंस में बहुत बार चर्चा की है कि जो जीव प्रकृति के अंदर अनेक जीव हैं, वो असल में जो मूल है उसी का आप ये कह सकते हैं कि फोटोकॉपी कह सकते हैं, या उसका आप ये कह सकते हैं कि जो प्रकृति से संबंधित है, प्रकृति के अंदर है।
स्मृति रूप है, जिसको कि उस मूल की स्मृति है, तो वो बहुत सारे अलग अलग हैं। मगर यदि यथार्थ में देखा जाए तो देह में तो है, मगर उसका जो मूल स्वरूप है वो जो हमने मूल की बात कही थी, जो फर्स्ट प्रिंसिपल की बात की थी, वो वही है। तो इस तरीके से हम इस सूत्र को हम समझ सकते हैं कि वो जो मूल है वो प्रकृति के अंदर जीव बनकर और वो उसके और प्रकृति से जो संबंध हैं, तरह तरह के संबंध हैं, हनुमंता के संबंध हैं, भरता, महेश्वर, जितने भी संबंध बताए, अलग अलग संबंध से अलग अलग नाम दिए गए हैं, मगर उसका जो मूल स्वरूप है वो वही परमात्मा है, मूल है। भगवान ने ये सब सारी चीजें इस सूत्र के माध्यम से बताने की कोशिश की है। मैं शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि हिंदी में इस सूत्र की व्याख्या करें योगिक साइंस के हिसाब से। इसमें योगिक साइंस के माध्यम से ये सिद्धांत पे इसे जाते हैं। हम योगिक साइंस जो है हमारा सिद्धांतों के आधार पे हमेशा बात करता है, और गीता पूरी सिद्धांतों पे ही श्लोक सारे हैं। इसमें व्याख्या मनगढ़ंत कहोगे तो दूसरी दिशा ले लेगी, सिद्धांतवादी है। तो यहाँ पे जो श्लोक आया है वो संबंध से बताया गया। संबंध जहाँ होता है, जहाँ एक के अलावा और कोई हो, एक के अलावा और कोई हो तो उसे वहाँ पे संबंध स्थापित होते हैं। तो इस वक्त स्वरूप की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है जो परमात्मा प्रकृति के बाहर है वो, या अंडे के बाहर है तो वो अंडे के अंदर जो साकार निराकार और सेंटर में उसके बीच में जो जीव है, अनेकों जीव हैं, उन जीव की एक की बात कर रहे हैं कि जो एक जीव है वो साकार निराकार से संबंधित होकर परमात्मा के पावर से, वो जो चार पावर हम पहले बता चुके हैं, तो उनके पावर से वो संबंध होने से वो उन चीजों को भोगता भी है, उन चीजों को उपयोग भी करता है, उन और शरीर में केंद्रित है, इसलिए केंद्र के कारण वो उसका स्वामी भी है। तो वो जो बात कर रहे हैं कृष्ण भगवान इस श्लोक में, वो यही बात बता रहे हैं। मगर यहाँ पे एक बहुत सिद्धांतिक बात बता रहे हैं कि वो दृष्टा नहीं है, उसे वो उपदृष्टा बता रहे हैं। इसका मतलब है कि हमने एक दृष्टा की जो सिद्धांत अभी तक नहीं व्याख्या करी थी, मगर आज इस श्लोक के माध्यम से सिद्धांत बताने का समय आ गया है। तो इसलिए एक जैसे कोई बहुत बड़ी कोई गोल चीज हो, या स्पेस है और बहुत बड़ी कोई गोल चीज हो और चल ना रही हो, इसलिए वो गोल कहलाएगी। उसमें गोल चीज में जो चतुर्भुजाकार जो है, हमने कहा था कि स्वरूप चतुर्भुजाकार है, जीव भी चतुर्भुज है, परमात्मा भी चतुर्भुजाकार है। तो हम ये कह रहे हैं कि उसमें एक भुजा जो है ना, उसकी छोटे से भाग में चेतन है। तो इनके हमने बहुत सारी बताई, ये तो आप दूसरे एपिसोड में आप देख सकते हैं। तो इस वक्त बात करते हैं कि वो जो दृष्टा है, दृष्टा ने अपनी दृष्टि से, अगर वो दृष्टि उस रिक्त में ना फेंकता, ना देखता, देखने के कारण और अपने तरफ देख, अपने को देखता है कि मैं दृष्टा हूं और सामने की ओर देखता है, जैसे ही देखता है तो एक चीज खिंच करके अपने पास आती है उसके पास। तो जो खिंचके आती है, इधर से खिंचके आती है, तो इधर से खिंच गए तो चार खिंचाव होते हैं, तो उसमें चार खिंचाव हुए वो यल टाइप हुए, और जो चार डंडे हुए उसे हम प्लस कहते हैं। तो वो चीज उसके दृष्टि से बाहर है। हम इस वक्त ये बिल्कुल मैथ थोड़ी सी अलग हटके है, हम प्लस को देखते हैं डंडों के आधार पर, और दृष्टा यहाँ देख रहा है जो खिंचाव के आधार पर, जहाँ जो एरिया बिल्कुल करीब में है उसके, यल टाइप डंडा नहीं देख रहे, वो डंडे नहीं देख रहे हैं चारों, वो देख रहा है अपना खिंचाव वाला एरिया, तो वो खींच के लाया है वहां पे, इसलिए वो प्लस कहलाया है। तो ये दृष्टा, वो वाला दृष्टा यहाँ पे नहीं है, मगर गोल चीज, अगर जैसे उसने अंडाकार एक चीज है, अंडाकार हम कह रहे हैं कि अंडाकार है, ब्रह्मांड अंडाकार है, तो गोल चीज अगर कोई गुरुत्वाकर्षण की वजह से खिंचती है और गति पकड़ती है, तो गोल एक समय में वो अंडे के आकार ले लेगी, गोल चीज अंडे का आकार ले लेती है। तो ये एक उसके दृष्टा की बात कही गई, मगर यहाँ इस श्लोक में
दृष्टा समझाने के बाद हम उपदृष्टा पे आ जाते हैं। अब हम प्रकृति के अंदर उस अंडे के अंदर साकार निराकार और जीव, तो इन जीवों में इन जीव जो है जीव केंद्रित होकर ये सारी चीजें जो क्रिएट करे जो सब इस श्लोक में कृष्ण भगवान ने बताई, और वो उनका स्वामी है वो उनको करता। मगर वो ये भी साथ कह रहे हैं कि ये उनके साथ लिप्त नहीं होता। किनके साथ? ना तो उस अंडे के साथ, साकार के साथ नहीं, निराकार के साथ नहीं, स्वरूप के साथ नहीं, परमात्मा के साथ नहीं, किसी गतिविधि के साथ नहीं। ये शब्दों के साथ क्रिएट होकर के संबंधित होकर के किसी चीज को धारण करता है, और जब शब्द अलग अलग होते हैं तो अलग अलग होने के बाद शब्द कहीं जाते नहीं, वहीं रहते हैं। तो ये उन चीजों से संबंध और संधि विच्छेद करता रहता है। बस यही इसके संसार के चलने का ढंग है, और इसी से संसार ये चलता है। जो ये उपदृष्टा के आधार पर बताया गया है उससे करता है, मगर ये उपदृष्टा कभी भी अपने स्वरूप परमात्मा को नहीं जानता। बस इतना जानता है कि मैं इसका स्वामी हूँ और मैं इनका मालिक हूँ, मैं भोगता हूँ, मैंने कर्म किए, मैं जानता हूँ, मैं अच्छा बुरा सब जानता हूँ, सब कुछ भोगता, खाता, पीता, सोता, सब कुछ करता हूँ, ये सब जानता है। मगर ये अपने स्वरूप के बारे में नहीं जानता, क्योंकि क्योंकि ये उपदृष्टा है, दृष्टा नहीं है। दृष्टा होएगा तब इसके पूरे तीनों सिद्धांत जो हैं इसको दिखाई देंगे और इसे अनुभव होगा। तब ये उनका अनुभव होने के बाद जब वो जीवित रहेगा तो उसे हमारी की तरह ऐसा कुछ बोलेगा तो स्मृति रूप रहेगी, अर्थात कल्पना भी उसे कह सकते हो, तो वो स्मृति के रूप में ये चीज आती है। तो इसे हम स्मृति कहते हैं। जैसे कि स्वरूप का जीव जो है उसको स्वरूप का ज्ञान तो है, स्मृति तो है, मगर वो इतना छोटा है कि वो बना रहा है, वो बन नहीं पा रहा। ये हम बहुत सारा बता चुके हैं पहले, इसलिए अब आप थोड़ा सा सतेंद्र इंग्लिश में थोड़ा इसे ट्रांसलेट करके बता दें तो जो इंग्लिश के जानकार है वो उनको अच्छा लगेगा। ओके फ्रेंड्स, लेट अस लेट मी जस्ट समराइज व्हाट शर्मा जी है जस्ट एक्सप्लेन्ड इन दिस सूत्र। टू थिंग्स हैव टू बी अंडरस्टूड वेरी डीपली। वन इज हाउ लॉर्ड कृष्णा हैज यूज्ड उपदृष्टा इन प्लेस ऑफ दृष्टा। So as Sarvaji has rightly said, there is a difference between drashta and updrashta. Drashta create this swarup, which is chaturbhujakar. Okay, its shape is chaturbhujakar, right? Or four-sided. So, I mean, drashta creates this swarup. And drashta is before the swarup also, right? I mean, there is no controller over the drashta. So that is one thing. Now, within the prakriti, since there are so many jivatmas, multiple jivatmas, now jivatma cannot become the drashta. It can become the seer or the controller of its own body, its own system, or at the most the you can say the creation, okay, around it, okay, whatever creation is there around it, okay, it can have control over the creation of its own body, okay, or others, because the multiple jivatmas are within the prakriti. So jivatma has been called upadrashta because it is not drashta like the drashta or the seer of the you can say swarup, right, which are four sided. Okay, that is the original one, the first principle. So the real drashta is the seer of the first principle, but the jivatmas which can see, which can control, okay, his body or the creation around it, okay, it has been called the updrashta because it has no control beyond the prakriti. Okay, within the prakriti it can have control, okay, there is no issue. And within the prakriti this the jivatma becomes the doer.
So there is a sense of doer in all the jivatmas. But there is no sense of doership, okay, in the drashta, right? So this is the huge difference between the drashta and updrashta. So updrashta is in relation with the jivatmas, multiple jivatmas, or you can say monads, while drashta, okay, it is in the relation, with the swarup, okay, which are four-sided, or the first principle. So this is the main difference between drashta and updrashta. And in this sutras, the Lord Krishna says, this jivatma, okay, it is Udrashta, it is Anumanta, it is Bharta, it is Maheshwar, okay, due to the different context. If the jivatma feels that it can control each and everything, then it is called Maheshwar, Swami. If it thinks that it is doing each and everything, there is doership. So from the relationship of the doership, the sense of the doership, okay, it becomes the Bharta. So there are different names according to the different type of relationship which it establishes, okay, with his body or with others, okay, within the Prakriti. But one thing is very, very important, which Sharmaji has said, the real nature, the original nature of the Jivatma is the Swarup. Although it does not know the first principle or the Swarup, but its original nature is the Swarup because it has originated from there, right? And the ultimate goal of all the Jivatmas is to realize the original nature or the Swarup. It is also known as, in many schools of thought, self-realization or the realization of the real nature, right? So this sutra conveys many things about the jivatmas and about the real seer and the seer which is related to, which is in context with the jivatma. Okay, so hopefully you must have understood very important things, okay, of the sutra. And if you did not understand, which is natural, then you can watch this episode over and over again, and hopefully you will understand it. So hopefully in the next episode we will take the next sutra and we will try to reveal or decode the sutra, okay, which is very, which is, you can say, impregnant with meaning. So for today, that's all.